तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गॉड टेक्निकल। दोस्तों सिखाना मेरा काम, सीखना आपका। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है, और क्योंकि मुझे इतने सारे कमेंट मैंने देखे तो मैंने सोचा कि नहीं भाई, कमेंट पर रिप्लाई करने से क्या फ़ायदा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट पर मैंने सेम रिप्लाई करा, और मैंने उसके बाद सोचा कि रिप्लाई करने से अच्छा है एक वीडियो बनाऊँ और उस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक वो बात पहुँचाऊँ। तो भाई देखो, बात यह है कि शेयर चैट पर अगर आप एक शेयर चैट यूज़र हैं, ध्यान से समझना और स्किपेबल मत करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना पहले तो इस वीडियो को। उससे पहले मैं बता दूँ कि अगर आप शेयर चैट यूज़र हैं तो आप यूट्यूबर नहीं हो सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यूट्यूबर भी हो तो आप उसमें अपना फेस नहीं दिखा सकते हो यूट्यूब की वीडियो में, क्योंकि अगर आप शेयर चैट पर अपनी वीडियोस क्रिएट करते हो और आपको अगर अर्निंग हो रही है, देखो अगर अर्निंग नहीं हो रही है तो आप एक यूट्यूब पर अपना काम कर सकते हो, जैसे कि मैं फेस पर करके दिखा रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपको शेयर चैट से अर्निंग हो रही है तो एक मतलब अलग पड़ जाता है। अगर आपको शेयर चैट पर अर्निंग हो रही है, यानी कि आप उससे पैसे कमा पा रहे हो, तो आप अपने फेस को यूट्यूब पर नहीं दिखा सकते हो, मतलब आप एक यूट्यूबर नहीं बन सकते हो। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप यूट्यूब पर अपने फेस को दिखाओगे, कहीं ना कहीं शेयर चैट की जो टीम है वो उस चीज़ को फटाफट से डिटेक्ट कर लेती है और आपके फेस को देख के ही आपको डिटेक्ट करती है, और उसके बाद शेयर चैट पर पहुँचती है। शेयर चैट पर आपकी जो प्रोफाइल होती है, उस प्रोफाइल को वो वहाँ से टिक आउट कर देती है, यानी कि आप जब भी शेयर चैट पर जाके कैमरा ओपन करोगे तो लाइसेंस नॉट फाउंड करके बताएगा, ऐसे आप लोग देख सकते हो, और बहुत सारे कमेंट मुझे ऐसे आ चुके हैं। उसकी वजह से ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जो मुझे डिलीट करनी पड़ी यूट्यूब चैनल पर, आप लोगों ने देखी भी होगी शायद वो वीडियो, क्योंकि उस वीडियो में मेरे साथ एक भाई थे और उस भाई के साथ भी यही हुआ कि वो शेयर चैट पर पैसा कमा रहे थे, और कमाने के बाद जैसे ही मैंने उनको यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया तो कहीं ना कहीं उनकी जो टीम है, शेयर चैट की जो टीम है, उसके फेस को डिटेक्ट कर लिया, और उसके बाद उसका लाइसेंस नॉट फाउंड करके ऐसा कुछ दिखा रहा था, यानी कि उसका भी लाइसेंस उन लोगों ने जब्त कर लिया, और हो सकता अर्निंग तो आई, लेकिन अर्निंग उसको अब कह सकते हो आगे आए या ना आए उसकी कोई गारंटी नहीं है शेयर चैट की। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर देखने वाली बात है तो वो यही कि अगर आप शेयर चैट पर अर्निंग कर रहे हो तो मेरे हिसाब से यूट्यूब पर आपको आने की कोई ज़्यादा ज़रूरत ऐसी है नहीं। लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मैं स्टेटस वीडियो बनाता हूँ या फिर मैं नॉन फेसेबल, यानी कि अपना फेस नहीं दिखाता हूँ, ऐसी वीडियो बनाता हूँ, तो आप बना सकते हो, क्योंकि आप उसमें फेस नहीं दिखा रहे हो। शेयर चैट की टर्म्स एंड कंडीशन में भी यही लिखा है कि आप अगर शेयर चैट चला रहे हो और आपका फेस है यहां पे तो ही हम आपको पैसा देंगे। लेकिन पैसा देने का मतलब यह नहीं कि आप हर जगह अपने फेस को यूज कर रहे हो और उससे आप पैसा ले रहे हो। तो जितना भी शेयर चैट यूजर्स हैं वो इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे, और लोगों ने इस बात को देखा भी है कि शेयर चैट पर अगर आप वीडियो बना रहे हो तो आपको जरूरत नहीं है एक यूट्यूबर कहलाने की, और आप यूट्यूब पर खुद से वर्कआउट नहीं कर सकते हो। तो यहां तक की जानकारी थी मेरे पास, मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो को आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। और शेयर चैट पर जितने भी ऐसे लोग हैं जो पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, उनके सबसे ज्यादा कमेंट्स मैं पढ़ पा रहा हूं, जिसमें से ज्यादातर कमेंट मुझे यही मिले हैं कि मैं 2-3 महीने से या फिर 5 महीने से शेयर चैट यूज़ कर रहा हूँ लेकिन मुझे अर्निंग जीरो हो रही है। तो उसका सीधा सीधा सिंपल सा फंडा है, अगर आप शेयर चैट के कैमरे से वीडियो बनाओगे अपनी तो ही आपको अर्निंग का चांस मिल सकता है। अदरवाइज़ अगर आप सोचते हो कि मैं गैलरी में से कुछ उठा के डाल दूँ या स्टेटस की कोई वीडियो डाल दूँ तो उससे अर्निंग आपको नहीं हो सकती। ये शेयर चैट का अर्निंग पॉइंट है और इसको आपको समझना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, बाय।